राजस्थान के भिवाड़ी जिले से। आपको बता दें कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी यार अनमुट्ठी फाउंडेशन की टीम ने भिवाड़ी के मोक्ष धाम में एक लावारिस शव का दाह संस्कार करवाकर पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी निभाई है। इससे पूर्व में भी फाउंडेशन अब तक करीब एक दर्जन से अधिक लावारिस शव का हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करवा चुकी है। आपको बता दें चले कि यार अनमुट्ठी फाउंडेशन प्रधान कुलदीप मावर ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस की तरफ से बताया गया था कि एक व्यक्ति का भिवाड़ी के फूलबाग चौक के पास शव मिला हुआ था। जब उस शव की पहचान नहीं हुई तो पुलिस ने फाउंडेशन से संपर्क किया और टीम ने हमेशा की तरह इस शव को अपना परिवार का हिस्सा मानते हुए उसके अंतिम संस्कार में जुट गया। प्रधान की माने तो ये फाउंडेशन सिर्फ अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं है बल्कि ये फाउंडेशन अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को गढ़गंगा ले जाने तक पुनीत कार्य भी करती है। वहीं इस कार्य में प्रधान कुलदीप मावर, बीओडी पूरे सिंह, सचिव नवीन गुलाटी, कोषा अध्यक्ष विनीत सिसोदिया, उप प्रधान चंद्रभान, सहकोषा अध्यक्ष सुशील मेहरा, कर्मजीत, मनोज सोनी और विक्रम कौशिक, दीप सोनी और तमाम लोग मौजूद रहे। 24x7 लाइव टीवी के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कब ये मिला था, किस अवस्था मिला था और आज इसका दाह संस्कार कैसे किया गया? दिनांक 5/7/2022 को समय करीब 7 PM पर एक व्यक्ति उम्र करीब 35-40 साल, शरीर से दुबला पतला, लास्ट कैपिटल हाई स्ट्रीट फूलबाग रोड के किनारे भिवाड़ी पर पाई गई थी, जिसका शव CHC भिवाड़ी पर रखवाया गया था। आज दिनांक उसको नियमानुसार 72 घंटे हो चुके थे, जिसका कोई वारिस अभी तक मौजूद नहीं मिला। इस कारण जो है फाउंडेशन की टीम से आपने संपर्क किया, उनके सहयोग से जो है CHC भिवाड़ी में EMR करवाया गया और वो इसका दाह संस्कार प्रॉपर क्या हिंदी रीति के वास्ते आपने दाह संस्कार किया टीम के द्वारा और आपका प्रॉपर।